नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी और हमारा नया चैनल वी भारत। खबरें सबसे तेज और सबसे पहले देखने के लिए वी भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। ये खबर है फिरोजाबाद से। कस्बा की औलिया सुन्नी जामा मस्जिद में जश्ने गौसे आजम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, इस दौरान मिलाद शरीफ की महफिल सजाई गई। कार्यक्रम की सरपरस्ती बिलग्राम शरीफ से आए सज्जा दानशीन सैयद अनस मियां ने की। महफिल मिलाद की सैयद अनस मियां ने हुजूर गौसे पाक की मुबारक जिंदगी पर रोशनी डाली। उन्होंने शादी में दिए जाने वाले दहेज को लेकर मना किया। उन्होंने कहा कि दहेज लेने में हमें बचना चाहिए। उन्होंने महफिल में मौजूद लोगों से शराब और गलत कामों से दूर रहने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस्लाम में शराब पीना और गलत काम करना बहुत बड़ा गुनाह है। मिलाद की महफिल में रायपुर बजेरा से आए मौलाना चांद मियां बरकाती ने मारहरा शरीफ के बुजुर्गों के बारे में बताते हुए कहा कि खानकाहे बरकातिया के बुजुर्गों ने हमेशा लोगों की दीन और भलाई का उन्हें रास्ता दिखाया है। उन्होंने बताया कि खानकाहे बरकातिया के मशहूर बुजुर्ग सरकार अहसलुन उल्मा इल्म के बादशाह थे। आपके दर पर जो भी दुखियारा जाता वह कभी खाली झोली वापस नहीं आता, उनका पैगाम हमें याद रखना चाहिए। सरकार अहसनुल उल्मा ने सुन्नत के बहुत काम किया है। मिलाद शरीफ में नातों मनकबत पेश की गई। कार्यक्रम का आयोजन कस्बे के कमेटी फैजाने गौसे आजम ने किया। फरमाते हैं कि मैं अपनी जवानी के आलम में तलबे इल्म के लिए बगदाद के मदरसे में गया। वहां पर मेरी जमात में इब्ने बहुत मुख्तसर बयान कर रहा हूं। मेरी जमात में इब्ने सका भी था और उसी जमात में सरकार गौसे आजम भी थे। एक रोज ये लोग तमाम बुजुर्गान दीन की जियारत के लिए जाया करते थे। एक रोज एक वहां पर एक बुजुर्ग थे जो गौस के नाम से मशहूर थे। उनकी सबसे बड़ी करामत यही थी कि वो जब चाहते थे लोगों के सामने जाहिर हो जाते थे, जब चाहते थे लोगों की अपनी नजरों से ओझल हो जाया करते थे। एक रोज इन लोगों ने कुरान बनाया, एक रोज इन लोगों ने कहा कि उनकी जियारत के लिए चलते हैं। इसने में हजरत इमाम अब्दुल्ला भी हैं, इब्ने सका भी हैं, सरकार गौसे आजम भी हैं, उनके जियारत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। इस रास्ते में इब्ने सका कहता है कि मैं उनसे एक ऐसा सवाल करूंगा जिसका वो जवाब न दे सकेंगे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं उनसे एक ऐसा सवाल करूंगा, देखो उसका वो क्या जवाब देते हैं। मेरे आका सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, मैं उनकी जियारत करके उनसे बरकतें हासिल करूंगा। बहरहाल जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं, देखते हैं वो बुजुर्ग मौजूद नहीं है, वो गौस मौजूद नहीं है। कुछ देर के बाद वो गौस जाहिर होते हैं, वो गौस तशरीफ लाते हैं। बहरहाल जैसे ही गौस तशरीफ